हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग डिफिनट इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम लोग किंग रूल बोलते हैं ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है किंग रूल के नाम से और ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर द पर्पज़ ऑफ आई आई टी जे ई एंड ऑल्सो फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स बिकॉज आप देखते होंगे कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं या फिर आपने अगर नहीं पढ़ा है किंग रूल तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बड़ आया है इससे क्वेश्चन फॉर इन द आई टी जे ई एंड ऑल्सो इन बोर्ड एग्जाम्स

तो लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स तो ये प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आपका ये ऐसा कोई इंटीग्रेशन दे रखा है तो आप एफ़ एक्स के जगह पे क्या कर सकते हैं लिमिट को ऐड कीजिए ए टू ए बी को दोनों लिमिट जो है दोनों को ऐड कर लीजिए और उसे फंक्शन एक्स एफ एक्स जो एक्स जो वेरिएबल है उससे सब्सट्रैक्ट कर लीजिए वो करने के बाद भी आपका ये दोनों इंटीग्रल भी सेम ही रहेगा देख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी और एफ़ इस बार क्या कर रहा है यहाँ पे लिमिट का सम कर दिया है ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स और ये दोनों जो होते हैं वो इक्वल होते हैं ओके ये इस प्रॉपर्टी का कहना है तो यहाँ पे लिमिट ए टू बी था जब कभी भी लिमिट जीरो टू ए रहेगा तो क्या हो जाएगा लिमिट दोनों को ऐड होता है लोअर और अपर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं जीरो प्लस ए माइनस एक्स जीरो प्लस ए मतलब ए एफ़ ए माइनस एक्स तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप समझ गए होंगे तो इस अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये जैसे आई है सपोज़ कर लेते हैं कि ये जो इंटीग्रल है इसका वैल्यू आई है तो ये भी क्या हो जाएगा दोनों इक्वल है तो आई हो जाएगा और दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं तो टू आई हो जाएगा टू आई के बाद हम लोग क्या करते हैं दोनों जो वैल्यू आएगा इसका और ये जब एफ लिमिट को सम करने के बाद जो वेरिएबल में सब्सट्रैक्ट करते हैं दोनों को ऐड करने के बाद एक सिंपल फंक्शन बन जाता है सिंपल फंक्शन बन जाता है और वो जो सिंपल फंक्शन होता है उसका हम लोग फिर वही लिमिट ए टू बी से इंटीग्रेट कर रहे थे बहुत ही सिंपल है ये आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ एक एग्जाम्पल जो कि जई मेन पास्ट ईयर का क्वेश्चन है अभी मैं एक नहीं दो दिखाऊंगा ओके चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से सो फ्रेंड्स हेर यू कैन सी ये प्रॉब्लम विच हैजिन जई मेन टू थाउजेंड सिक्स एंड इन द क्वेश्चन वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इंटीग्रल का वैल्यू दे रखा है लिमिट दे रखा है थ्री से सिक्स अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट नाइन माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स एंड वी हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू चलिए हम लोग देखते हैं क्या करना है इसमें तो इसमें हम जानते हैं कि सबसे पहले मैं बताया था कि आपको कोई भी इंटीग्रल दिया है उसे सपोज कर लीजिए आई है तो सपोज कर लिया कि ये जो इंटीग्रल हमें दे रखा है ये आई है अब हमें इसमें किंग रूल अप्लाई करना है कैसे करेंगे हम लोग किंग रूल जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन है ए टू बी इसका कोई इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो इसे हम लोग किंग रूल अप्लाई करके क्या करते थे इंटीग्रल ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स मीन्स जहाँ पे वैल्यू फंक्शन में एक्स रहता था वहाँ पे क्या करते थे लिमिट को ऐड करते थे और फिर उस फंक्शन के वेरिएबल एक्स से सब्सट्रैक्ट करते थे यही करना है इस क्वेश्चन में भी किंग रूल अप्लाई कर रहे हैं तो चलिए देखते हैं इसे हम लोगों ने सपोज कर लिया है कि ये आई है अब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं किंग रूल आई इक्वल टू इंटीग्रल थ्री टू सिक्स अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी माइनस एक्स है तो ए प्लस बी लिमिट क्या है यहाँ पे थ्री प्लस सिक्स तो थ्री प्लस सिक्स क्या हो जाएगा नाइन माइनस जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ए प्लस बी माइनस एक्स तो अंडर रूट नाइन माइनस एक्स यही होगा क्योंकि एक्स के जहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स और ए प्लस बी थ्री सिक्स है तो ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट नाइन यहाँ पे नाइन हो गया माइनस क्यों माइनस है सब यहाँ पर और एक्स के जहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स ये तो हो गया ये इसके लिए अब हम लोग को फिर क्या करना है प्लस अंडर रूट एक्स के जगह क्या हो जाएगा नाइन माइनस एक्स यहीं होगा बिल्कुल यही होगा देख लीजिए आप ओके तो ये यह यहाँ पे क्या हो जाएगा अब ये वैल्यू देख सकते हैं आप यहाँ पे नाइन माइनस एक्स अपॉन ये नाइन से नाइन कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा देख सकते हैं आप यहाँ पे माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट नाइन माइनस एक्स एक्स ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट नाइन माइनस एक्स यहाँ पर भी क्या था अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट नाइन माइनस एक्स यहाँ पे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट नाइन माइनस एक्स और यहाँ पे भी वही था सो so फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था इंटीग्रल लिमिट थ्री टू सिक्स अंडर रूट एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट नाइन माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स ये दे रखा था फिर हम लोगों ने किंग रूल अप्लाई किया लिमिट ए प्लस बी माइनस एक्स किया जहाँ पे एक्स था तो ए प्लस बी की जगह पे थ्री प्लस सिक्स माइनस एक्स तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमारा ये आया है डिनोमिनेटर दोनों में सेम रहा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर जो होता है वो सेम ही रह जाता है बस चेंज आता है नोमिनेटर में आफ्टर अप्लाइंग किंग रूल तो यहाँ पे नोमिनेटर यहाँ पे अंडर रूट एक्स था यहां पे अंडर रूट नाइन माइनस एक्स डिनोमिनेटर सेम है सो so फ्रेंड्स मैंने क्या कहा था आफ्टर अप्लाइंग किंग रूल क्या करना होता है दोनों ही इंटीग्रल को ऐड करना रहता है ऐड करने के बाद एक सिंपल इंटीग्रल बन जाता है चलिए दोनों इंटीग्रल को ऐड करते हैं ये पहले जो दे रखा था क्वेश्चन में और आफ्टर अपलाइंग किंग रूल दोनों को ऐड करते हैं आई प्लस आई टू आई टू आई हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रल दोनों इंटीग्रल करें दोनों का लिमिट सेम है थ्री टू सिक्स नाउ दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट नाइन माइनस एक्स दोनों का सेम ही है और अब यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही है प्लस अंडर रूट नाइन माइनस एक्स ओके डी एक्स यहाँ पे देख सकते हैं बस कुछ नहीं किया हूँ एलसीम लिया हूँ दोनों को ऐड करा कराऊँ जो नॉर्मल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है जो सबको आता है अगर आप आई वगैरह या फिर बेसिकली आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन करें तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है ओके तो देखिए तो हम लोगों ने बस दोनों इक्वेशन को ऐड किया ये पहला इक्वेशन था और ये दूसरा इक्वेशन था दोनों को ऐड करा है दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर सेम है तो ये कैंसिल आउट हो गया ओके नाउ अब क्या हो जाएगा क्या बच गया यहाँ पे टू आई इक्वल टू इंटीग्रल थ्री टू सिक्स वन इं टू डी एक्स ओके डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स और इसका लिमिट क्या हो जाएगा थ्री टू सिक्स क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो सिक्स माइनस थ्री हो जाएगा ये वैल्यू आ गया थ्री so, तो टू आई इक्वल टू थ्री तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से आई इक्वल टू थ्री अपॉइंट टू तो क्या आ गया हमारा आंसर थ्री अपॉइंट टू चलिए देखते हैं ऑप्शन में थ्री वाई टू था या नहीं सो फ्रेंड्स हेयर यू कैन सी इन द ऑप्शन नंबर टू The value is 3 by टू and we got थ्री by टू so answer will be थ्री by 2 option number टू so आप समझ गए होंगे कि क्या करना होता है सबसे पहले I लेते हैं जो भी integral दिया जाता है उसके बाद king rule का जो property है limit को add कीजिए variable में से subtract कीजिए वो करेंगे उसके बाद दोनों को add करेंगे टू आई हो जाएगा उसके बाद देख सकते थे यहाँ पे इतना लेंदी सा function दे रखा था जब add करें तो एक simple सा dx बन गया जो कि बहुत ही था टू सिक्स के लिए तो इसी तरीके से ये बहुत ही सिंपल सा किंग रूल है चलिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं सो फ्रेंड्स हेयर यू कैन सी एन अनदर एग्जाम्पल विच हैजिन आस्क इन जेई मैन टू थाउजेंड नाइन एंड इन द क्वेश्चन देर इज गिवेन इंटीग्रल जीरो द ब्रैकेट साइन लाइक दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड वी हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू सो वी विल फाइंड इट्स वैल्यू बाई यूजिंग किंग रूल चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे किंग रूल के हेल्प से तो सबसे पहले आपको क्या करना है जो भी गिवन इंटीग्रल है उसको क्या करते हैं हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये वैल्यू आई है आई इसकी वैल्यू होगी इस इंटीग्रल की नाउ इसमें हम लोग किंग रूल अप्लाई करते हैं आई इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रल जीरो टू पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉट पाई माइनस एक्स हो जाएगा क्यों क्योंकि लिमिट को ऐड करते हैं और फिर वेरिएबल में से सब करते हैं वहाँ पे ए बी था लिमिट तो क्या करते थे ए प्लस बी माइनस एक्स यहाँ पे जीरो पाई है तो क्या हो जाएगा जीरो प्लस पाई माइनस एक्स मीन्स पाई माइनस एक्स क्या हो गया ये पाई माइनस एक्स डी एक्स और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ब्रैकेट लगा दिए नाउ अब हमें क्या करना है ये क्या हो जाएगा कॉट पाई माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉट इंटू वन एट्टी माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है क्यों क्योंकि तो कॉट ये 180 है और 180 एट्टी माइनस थीटा क्या होता है सेकेंड क्वार्डेंट और सेकेंड क्वार्डेंट में बस साइन पॉजिटिव होता है बाकी टेन और कॉस क्या होता है निगेटिव होता है तो ये क्या हो जाएगा कॉट इंटू वन एट्टी माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा तो क्या हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू पाई यही होगा इंटीग्रल जीरो टू पाई कॉट यहाँ पे एक्स और विथ निगेटिव साइन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डी तो पहला इक्वेशन ये था हमारा सपोज कर लेते हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन था ये सेकेंड इक्वेशन नाउ अब हम लोग क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि जब हम लोग किंग रूल अप्लाई करते हैं उसके बाद एक नया फंक्शन बन गया वहाँ पे कॉटेक्स था यहाँ पे माइनस कॉटेक्स आ गया तो अब हम लोग दोनों को ऐड करेंगे ऐड करने के बाद देखते हैं क्या होता है चलिए ऐड करते हैं ऐड करने के बाद टू वाई इक्वल टू क्या है इंटीग्रल जीरो टू पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉटेक्स जो दे रखा था और फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस कॉटेक्स जो किंग रूल अप्लाई करने के बाद आया है दोनों को एक साथ ऐड करें अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही में ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है तो नॉर्मली तो हम लोग कॉटेक्स प्लस माइनस कॉटेक्स रहता तो हम लोग जीरो कर देते बट यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा है तो उसका कंसेप्ट यूज़ करना है सबसे पहले समझते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो सपोज़ कीजिए कोई वैल्यू हमें वन है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा इससे पहले वाला जो इंटीजर वैल्यू है मतलब इस नंबर से जो पहले जो इंटीजर वैल्यू होती है वो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी मीन्स इसकी क्या हो जाएगी वन इसी तरीके से जीरो पॉइंट फाइव के लिए क्या हो जाएगी उससे पहले वाली ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होती है जीरो तो जीरो हो जाएगी उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इसी तरीके से जब इंटीजर के लिए हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे सपोज़ कीजिए टू के लिए तो टू का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो टू ही रहेगा क्यों क्योंकि टू जो है खुद एक इंटीजर वैल्यू है और उससे पहले मीन्स वो खुद ही एक इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगा टू इसी तरीके से निगेटिव के लिए क्या हो जाएगा अगर सपोज़ कीजिए माइनस टू है तो इसका क्या हो जाएगा माइनस टू के लिए माइनस टू ही रहेगा क्योंकि वो एक खुद ही इंटीजर वैल्यू है विध निगेटिव साइन तो ये कंसेप्ट होता है मीन्स यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे कॉटेक्स है पॉजिटिव में यहां पे निगेटिव में मीनस यहाँ पे अगर माइनस वन पॉइंट फाइव का मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा माइनस वन पॉइंट फाइव का इससे पहले वाला इंटीजर वैल्यू इससे पहले वाला इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस टू क्या होगा माइनस टू इसी तरीके से जीरो पॉइंट फाइव के लिए अगर देखें तो जीरो पॉइंट फाइव के लिए क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव के लिए बताइए जीरो पॉइंट फाइव के लिए जीरो और माइनस जीरो पॉइंट फाइव के लिए क्या हो जाएगा माइनस जीरो पॉइंट फाइव के लिए क्या हो जाएगा इससे पहले वाला इंटीजर वैल्यू माइनस वन तो आई होप आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे इस कंसेप्ट को यहाँ पे देख सकते हैं कॉटेक्स की वैल्यू जब हम लोग इंटीजर वैल्यू आएगी तो क्या होगी इंटीजर वैल्यू आएगी मीन्स सपोज कीजिए कॉटेक्स की वैल्यू टू आई टू आई मीन्स क्या हो गया इसका वैल्यू टू और फिर यहाँ पे माइनस कॉटेक्स है तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस टू तो माइनस टू प्लस टू क्या हो जाएगा जीरो जब कॉटेक्स की वैल्यू इंटीजर आएगी इंटीजर के केस में क्या हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा इंटीग्रल का वैल्यू जब कॉटेक्स की वैल्यू इंटीजर होगी बट जब इंटीजर की वैल्यू फ्लोट मींस फ्रैक्शन में होगी तब क्या होगा कि यहाँ पे देख सकते हैं फ्रैक्शन में है जब कॉटेक्स की वैल्यू सपोज कर लेते हैं कि जीरो पॉइंट फाइव आया तो जीरो पॉइंट फाइव आया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा और यहाँ पे जीरो पॉइंट फाइव के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस वन मीन्स जीरो प्लस माइनस वन मीन्स माइनस वन होगी इसी तरीके से अगर वन पॉइंट फाइव आती है तो यहाँ पे वन और यहाँ पे माइनस टू वन माइनस टू माइनस वन मीन्स कभी भी आप सेम वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन तो अगर वो फ्रैक्शन में है तो वो माइनस वन आती है और जब इंटीजर होती है तो वो जीरो होती है ये कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता था ओके तो so फ्रेंड्स अगर इंटीजर वैल्यू आएगी कॉटेक्स की तो जीरो हो जाएगी इन दोनों का सम और फ्रैक्शन में होगी तो माइनस वन होगी तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन उसमें जीरो ऑप्शन नहीं दे रखा है मीन्स इसकी वैल्यू इंटीजर नहीं होगी ये कन्फर्म है क्योंकि यहाँ से आपको थोड़ा सा ऑप्शन को भी देखना रहता है क्योंकि ऑप्शन में कोई भी वैल्यू जीरो नहीं है मीन्स ये इंटीजर वैल्यू नहीं लिया है इस क्वेश्चन के लिए तो हमें क्या करना है फ्लोट वैल्यू मीन्स फ्रैक्शन वाले वैल्यू को लेना है फ्रैक्शन वाले वैल्यू को लेना है मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा मैं आपको बताया था कि जब भी दो ग्रेटेस्ट इंटीजर है विथ निगेटिव एंड पॉजिटिव साइन और सेम वैल्यू है तो उसका इंटीजर का सम होता है जीरो और फ्रैक्शन का सम होता है माइनस वन अभी दिखाया हुआ आपको तो इसके लिए ऑप्शन में जीरो है नहीं क्योंकि मीन्स ये इंटीजर नहीं है क्या है ये फ्रैक्शन में है कॉटेक्स की वैल्यू तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू इंटीग्रल जीरो टू पाई माइनस वन लेंगे क्यों क्योंकि दोनों कॉटेक्स की वैल्यू क्या ले रहे हैं फ्रैक्शन सपोज करने की इसकी वैल्यू क्या आएगी फ्रैक्शन में आएगी इंटीजर में आती तो जीरो होती है और जीरो होती तो जीरो इंटू डी का इंटीग्रेशन जीरो होता इंटू डी और ये टू आई के इक्वल है ओके okay? कंसेप्ट समझ गए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होती है कैसे यूज करते हैं okay? ओके तो अब इसका इंटीजर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस वन का तो माइनस एक्स हो जाएगा माइनस वन इंटू डी का जीरो टू पाई और ये टू आई के इक्वल हो जाएगा अब यहां से देख सकते हैं आई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स में लिमिट रखेंगे पाई जीरो तो क्या हो जाएगा हो जाएगा, माइनस पाई और जीरो रखने पे जीरो ही रहेगा तो माइनस पाई हो जाएगा टू आई इक्वल टू और यहाँ पे माइनस जीरो होता है तो जीरो का कोई कुछ मतलब ही नहीं है आई इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे माइनस पाई टू तो इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस पाई अपॉन टू चलिए देखते हैं ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में माइनस पाई बाई टू आंसर है या नहीं सो फ्रेंड्स हेयर यू कैन सी इन द ऑप्शन नंबर फोर द वैल्यू इज माइनस पाई बाई टू सो करेक्ट ऑप्शन इज फोर ओके